हेलो फ्रेंड्स, अगेन मोस्ट वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में इंडस्ट्रियल फार्मेसी देख रहे थे, यूनिट फार्मेसी TQM हमने पूरा कंप्लीट किया था। आज हम QVD देखेंगे, दैट इज़ क्वालिटी बाई डिज़ाइन, सिक्स सिग्मा कंसेप्ट देखेंगे और ISO गाइडलाइन फॉर 9000 सीरीज देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही मैंने नोट्स काटे हैं। QVD के ऊपर आपको 10 मार्क्स की नोट आ सकती है, तो ध्यान से देखिएगा। बेसिकली जो QVD का कंसेप्ट है वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बहुत ही कॉमनली यूज़ किया जाता है फॉर द मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। अब हम देखेंगे इसकी क्वालिटी बाई डिज़ाइन की डेफिनेशन। QVD क्या है? इट इज़ एन अप्रोच विच गिव्स द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस टू मेंटेन द प्रिस्क्राइब प्रोडक्ट क्वालिटी। मीन्स QVD क्या है? ये एक अप्रोच है, वो हमें मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की बेटर अंडरस्टैंडिंग दे रहा है, जिससे कि हम क्या करेंगे, जो भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का, उन्होंने कहा कि ये प्रोडक्ट की क्वालिटी ऐसी होना चाहिए, तो उसको मेंटेन करने के लिए वो प्रिस्क्राइब्ड क्वालिटी हमें अचीव करने के लिए QVD हमें हेल्प करता है। इट ऑल्सो इन्वॉल्व द एग्जामिनेशन ऑफ इक्विपमेंट डिज़ाइन ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ वर्किंग। मीन्स QVD हमें अलाउ कर रहा है कि हमें इक्विपमेंट के डिज़ाइन को भी एग्जामिन करना है, कि कुछ इक्विपमेंट्स इंडस्ट्री में बहुत ही ओल्ड हो चुके हैं, तो हमें उसको रिप्लेस करना चाहिए, न्यू मॉडल यूज़ करना चाहिए फॉर द बेटर क्वालिटी एंड द इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। सो वी कैन मॉडिफाई द इक्विपमेंट इन ऑर्डर टू गेट क्वालिटी प्रोडक्ट। अब हम देखेंगे बेनिफिट्स ऑफ द QVD। इट इंक्रीजेज द बिजनेस, मीन्स इट विल इंक्रीज यूर फार्मास्यूटिकल बिजनेस एंड एलिमिनेट द बैच फेलियर। मीन्स एक्सीडेंटली आपके फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कुछ एक्सीडेंटली बैच फेलियर्स होते हैं ड्यू टू द इक्विपमेंट एरर और मैन्युफैक्चरिंग मेथड एरर, तो उसको भी एलिमिनेट करता है आपका QVD एंड मिनिमाइज द कॉस्टली इन्वेस्टिगेशन। आपके कॉस्टली इन्वेस्टिगेशन को भी मिनिमाइज करता है और अवॉइड करता है आपके मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम्स को, क्योंकि ये पहले ही मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को बेटर अंडरस्टैंडिंग करने में हेल्प करता है, तो ऑब्वियसली ये क्या करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग जो भी आपके प्रॉब्लम्स है उसको अवॉइड करने में हेल्प करेगा। अब हम आगे देखेंगे ओवरव्यू ऑफ QVD। द कंसेप्ट ऑफ QVD वॉज फर्स्ट डेवलप्ड बाय द डॉक्टर जोसेफ एम। मीन्स जो QVD का फर्स्ट कंसेप्ट था वो डॉक्टर जोसेफ इन्होंने दिया था। दे सेड द क्वालिटी इज डिज़ाइन इन अ प्रोडक्ट। उन्होंने कहा कि जो आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो डिज़ाइन की जाती है, एंड द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट इज़ बेस्ड ऑन द वे इन विच इट इज़ डिज़ाइनड। मीन्स आपके प्रोडक्ट की जो भी क्वालिटी है ये किस पे डिपेंड है कि आप उसको किस तरीके से डिज़ाइन करते हो, उसके ऊपर आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी बेसिस है। एज पर ICH गाइडलाइन, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ हार्मोनाइजेशन के गाइडलाइन की वेट से QVDA क्या है, ये एक सिस्टमेटिक अप्रोच है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट विद द प्री डिफाइंड ऑब्जेक्टिव प्रोसेस एंड क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट। मीन्स QVDA में एक ऐसी मेथड है कि उसमें हम प्री डिटरमाइन कर रहे हैं हमारे ऑब्जेक्टिव्स को, हमारी मैन्युफैक्चर प्रोसेस को हम पहले से ही डिसाइड कर रहे हैं, और जितने भी क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट होते हैं उसमें, यानी कि जितने भी उसमें रिस्क के चांसेस होते हैं उसको हम पहले से ही एग्जामाइन कर रहे हैं इन QVD, क्योंकि हमें क्या करना है, हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी इंक्रीज करना है, तो हम इसमें सभी प्री डिटरमाइन करेंगे, जैसे कि आगे चल के हमें उसकी प्रॉब्लम नहीं होंगी। अब हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ द QVD। द प्रिंसिपल ऑफ QVD इज यूज्ड टू एडवांस द प्रोडक्ट एंड प्रोसीजर प्रोसेस द क्वालिटी इन एवरी इंडस्ट्री। मीन्स QVD क्या कर रहा है, एडवांस कर रहा है आपके प्रोडक्ट को, आपके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को इन, क्योंकि आपकी क्या करना है, आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी इंक्रीज करना है एवरी इंडस्ट्री। मीन्स इंडिया में जितनी भी इंडस्ट्रीज है वो क्या, उसमें QVD क्या कर रहा है, एनहांस कर रहा है आपके मैन्युफैक्चरिंग मेथड को, बिकॉज ऑफ नीड ऑफ पोटेंट ड्रग विद द सेफ्टी एंड एफिकेसी प्रोफाइल। क्योंकि हमें ज़रूरत है एक पोटेंट ड्रग की जो कि सेफ हो और इफेक्टिव हो। एज फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इन्वॉल्व द बिलियंस ऑफ मनी इन द ड्रग डेवलपमेंट एंड डिस्कवरी। जैसे कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज आज अच्छे ड्रग डेवलप करने के लिए बिलियंस ऑफ मनी इन्वेस्ट करते हैं, तो उनका नुकसान नहीं होना चाहिए, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, QVD का यूज़ कर रहे हैं। अब हम आगे देखेंगे बेसिक स्टेप्स इन्वॉल्व इन द QVD प्रोडक्ट। इसमें हम पहले क्या करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे हमारा न्यू मॉलिक्यूल्स को, मीन्स ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट। फिर हम क्या करेंगे, उसका प्री क्लिनिकल स्टडीज़ करेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन क्लिनिकल स्टडीज़। फिर IND एप्लीकेशन करेंगे हम, मीन्स इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन। ये क्या करेंगे, आपको क्लिनिकल ट्रायल्स कंडक्ट करने के लिए अप्रूवल देंगे फॉर इन द ह्यूमन बींग्स। फिर हम क्या करेंगे, क्लिनिकल ट्रायल्स कंडक्ट करेंगे इन द ह्यूमन बींग्स, और फिर बाद में Phase 3 के बाद में आपका प्रोडक्ट मार्केट में अप्रूव होगा। फिर आपको मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ेगी उसकी लार्ज अमाउंट में, तो आपको क्या करना है, डिज़ाइन करना है कि स्पेस फॉर द इक्विपमेंट्स। आपको क्या करना है, आपके इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जो भी इक्विपमेंट्स ले रहे हैं उसको सिस्टमेटिक वे से अरेंज करने के लिए एक डिज़ाइन आपको डेवलप करना है वहाँ पे। फिर आपको क्या करना है, कंट्रोलिंग मेथड्स लेना है, उसमें एक आपको
क्यूबिडी एक्सपर्ट हायर करना है, फिर एक बेसिक क्यूबिडी वर्कशॉप आपको लेना है विद द ऑल रिक्वायरमेंट्स, आपको आपके फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में ही एक क्यूबिडी वर्कशॉप इस्टेब्लिश करना है विद द ऑल रिक्वायरमेंट्स, जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट होते हैं क्यूबिडी वर्क करने के लिए, और असाइन करना है आपके टाइम लाइफ इन्वेस्टमेंट कितनी होंगी आपके प्रोडक्ट के लिए, वो क्या करेंगे आपको टोटल कॉस्ट आपकी जितने भी होगी उसको एस्टिमेट करने के लिए हेल्प करेगा। ये हो गया आपके बेसिक स्टेप्स इन्वॉल्व इन द क्यूबिडी। अब हम देखेंगे मेजर स्टेप्स इन्वॉल्व इन द क्यूबिडी अप्रोच। इसमें क्या कर रहे हैं, हम टारगेट कर रहे हैं प्रोडक्ट के प्रोफाइल को। इस प्रोडक्ट के प्रोफाइल में हम क्या क्या टारगेट करेंगे, इसमें होता है आपका डोज का, डोज को हम देखेंगे, कंटेंट यूनिफॉर्मिलिटी हम ऑब्जर्व करेंगे, इसमें हार्डनेस देखेंगे, डिसोल्यूशन देखेंगे, स्टेबिलिटी और रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इसमें हम टारगेट करेंगे। फिर बाद में आइडेंटिफाई एंड डिटरमाइन करेंगे क्रिटिकल क्वालिटी एट्रीब्यूट्स एसोसिएटेड विद इम्पैक्ट ऑन द सेफ्टी इफिकेसी एंड क्वालिटी। फिर हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है आपके क्रिटिकल क्वालिटी एट्रीब्यूट्स जो कि एसोसिएटेड कर रहे हैं आपके सेफ्टी इफिकेसी और क्वालिटी के ऊपर। देन आपको क्या करना है, इस्टेब्लिश करना है डिज़ाइन स्पेस फॉर द इक्विपमेंट एंड एक्सपेरिमेंट्स। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ये इक्विपमेंट्स के लिए डिज़ाइन इस्टेब्लिश करने के बाद में आपको रिस्क असेसमेंट करना पड़ेगा एज पर ICH गाइडलाइन Q9। फिर आपको क्या करना है, कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, मीन्स आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी कंटिन्यू इंप्रूव होगी। आगे देखेंगे, एक नोट देख लेते हैं, एक डिफरेंस देख लेंगे हम CQA और NCQA, मीन्स क्रिटिकल क्वालिटी एट्रीब्यूट्स और नॉन क्रिटिकल क्वालिटी एट्रीब्यूट्स। आप क्वालिटी एट्रीब्यूट्स में हैव सिग्निफिकेंस इम्पैक्ट ऑन द क्वालिटी सेफ्टी इफिकेसी, मीन्स आपके क्वालिटी एट्रीब्यूट्स में अगर इम्पैक्ट हो रहा है, अफेक्ट हो रहा है आपके सेफ्टी पे, क्वालिटी पे और इफिकेसी पे, इफ यस देन इट इज़ एन क्रिटिकल क्वालिटी एट्रीब्यूट, इफ इट इज़ नो देन इट इज़ एन नॉन क्रिटिकल क्वालिटी एट्रीब्यूट्स। अब हम क्या करेंगे, न्यू क्वालिटी मॉडल फॉर QVD देखेंगे। इसमें Q8 सीरीज क्या बता रहा है हमें, फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट के गाइडलाइंस दे रहा है। Q9 क्या कर रहा है हमें, क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट के गाइडलाइंस दे रहा है। Q10 में बताया गया है कि फार्मास्यूटिकल क्वालिटी डिज़ाइन के गाइडलाइंस है इसमें, और Q11 गाइडलाइंस में बताया गया है कि डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द ड्रग सब्सटेंस। ये आपका हो गया न्यू मॉडल फॉर द QVD। अब हम आगे देखेंगे, सिक्स सिग्मा कंसेप्ट देखने जा रहे हैं हम अभी। ये आपको 5 मार्क्स की नोट आ सकती है, इसके ऊपर 5 मार्क्स की नोट आ सकती है आपको, राइट ए नोट ऑन सिक्स सिग्मा कंसेप्ट। तो सिक्स सिग्मा ये बेसिकली ये है कि आपके प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते टाइम जो भी एरर्स आते हैं उसको मिनिमाइज करना है, मीन्स आपका प्रोडक्ट नियर बाय परफेक्ट होना चाहिए। मीन्स कोई भी प्रोडक्ट 100% तो परफेक्ट नहीं होता, जैसे कि डेटॉल के एडवर्टाइजमेंट देखते हैं हम, वो क्या करता है कि 99.9% जर्म्स को किल करता है, तो सब हर चीज़ 100% नहीं होती, तो 1% कहीं ना कहीं डिफरेंस होता है। तो लेकिन हमें इस 99.9% को भी अचीव करने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है, उसी को सिक्स सिग्मा कंसेप्ट में बताया गया है। तो सिक्स सिग्मा इज एन सेट ऑफ टेक्निक एंड टूल फॉर द इम्प्रूवमेंट इन द प्रोसेस दैट हेल्प अस टू फोकस ऑन द डेवलपिंग एंड डिलीवरिंग द नियर बाय परफेक्ट प्रोडक्ट। तो हमें क्या करना है, सिक्स सिग्मा एक टूल है, टेक्निक है, वो हमें हेल्प करेंगी फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ परफेक्ट प्रोडक्ट, नियर बाय परफेक्ट प्रोडक्ट, मीन्स 99.9% हमें एक परफेक्ट प्रोडक्ट डेवलप करना है। द सेंट्रल आइडिया बिहाइंड सिक्स सिग्मा, अब हम क्या करेंगे, सिक्स सिग्मा का सेंट्रल आइडिया देखेंगे किसका था इसमें। इफ़ यू कैन मेजर हाउ मेनी डिफेक्ट्स यू हैव इन द प्रोसेस, मीन्स आपको पता होगा कि आपके प्रोसेस में कितने डिफेक्ट्स हैं, सो यू कैन सिस्टमेटिकली फिगर आउट एंड हाउ टू एलिमिनेट देम एंड गेट एज क्लोज टू द जीरो डिफेक्ट्स। सो आपको पता है कि आपके पास कितने डिफेक्ट्स हैं, तो आप क्या करोगे, उसको सिस्टमेटिकली आप उसको फिगर आउट करेंगे, उसको एलिमिनेट करेंगे टू गेट एंड जीरो डिफेक्ट, मीन्स पूरे डिफेक्ट्स जितने भी आपको पता है उसको एलिमिनेट करने के लिए आप आपकी पूरी मेहनत करोगे। द कंसेप्ट ऑफ सिक्स सिग्मा वॉज डेवलप्ड बाय मोटोरोला इन 1986, मीन्स ये जो कंसेप्ट था सिक्स सिग्मा का, ये मोटोरोला एक कंपनी उन्होंने डेवलप किया था इन 1986। अब हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिक्स सिग्मा, इसमें स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल देखेंगे। एज द नेम सिक्स सिग्मा विच इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक सिंबल सिग्मा, मीन्स हम मैथमेटिक्स में सिग्मा सिंबल यूज करते हैं, उसको हम ये एक जो कंसेप्ट है वो ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है सिग्मा, विच इज ऑल्सो नोन एज अ सिम्बॉल ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन इन स्टैटिस्टिक्स, इसी को हम क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड डिविएशन का एक सिम्बॉल बोलेंगे। एंड दिस स्टैंडर्ड डिविएशन इज यूज फॉर द मेजरिंग द वेरियंस, और हम इसको ये स्टैंडर्ड डिविएशन यूज करके हम क्या करेंगे, आपका वेरियंस कैलकुलेट करेंगे। अब हम आगे देखेंगे,
मेथोडोलॉजिकल अप्रोच देखेंगे हम. द सिक्स सिग्मा कंसेप्ट इंक्लूड द मेथोडोलॉजिकल अप्रोच टू इंश्योर द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स. में दो मेथड्स होते हैं, DMAIC होता है और DMADV होता है. अब DMAIC क्या है, इसमें डिज़ाइन है, मेजर है, एनालाइज करना है, इम्प्रूव और कंट्रोल. अब हम वन बाय वन देखेंगे, डिज़ाइन देखेंगे. इट इंक्लूड्स द कस्टमर एक्सपेक्टेशन एंड रिक्वायरमेंट्स. मीन्स आपके सिक्स सिग्मा कंसेप्ट में ये DMAIC जो कंसेप्ट है उसमें पहला डिज़ाइन है, तो उसी को क्या कर रहा है, आपके कस्टमर के एक्सपेक्टेशन और रिक्वायरमेंट के ऊपर फोकस कर रहा है. इसमें आपका प्रोजेक्ट का गोल भी आएगा. अब मेजरमेंट में क्या बताया गया है, इट इंक्लूड्स द मेजरमेंट ऑफ करंट प्रोसेस. मीन्स आपकी जो भी मैन्युफैक्चरिंग के करंट प्रोसेस है उसके आपको मेजरमेंट्स लेना है. फिर एनालाइज करना है, इट इंक्लूड्स द एनालिसिस ऑफ डाटा कलेक्टेड एंड कॉज ऑफ डिफेक्ट. मीन्स एनालाइज में आपको पता चलेगा कि आपके पास कितने डिफेक्ट्स है, मीन्स ये डिफेक्ट क्यों हो रहा है उसके रीजन में पता चलेगा. देन इम्प्रूवमेंट, इट इंक्लूड्स द इम्प्रूवमेंट एंड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ प्रोसेस बेस्ड ऑन द एनालिटिकल डाटा. इसमें आप क्या कर रहे हो, जो भी आपके डिफेक्ट्स होंगे आपको पता चला है कि एनालिटिकल एनालाइज करने के बाद जितने भी आपको डिफेक्ट्स पता चले उसको आप क्या करोगे, इंप्रूवमेंट करोगे और वो डिफेक्ट्स को आप मिनिमाइज करोगे. फिर कंट्रोल, इट इंक्लूड्स द कंट्रोलिंग ऑफ द फ्यूचर प्रोसेस टू इंश्योर द क्वालिटी. मीन्स आपका फ्यूचर में भी प्रोडक्ट का क्वालिटी मेंटेन होना चाहिए, इसके लिए कंट्रोल का कंसेप्ट है. अब कस्टमर फोकस्ड अप्रोच में वही बताया गया है, ऑल द क्वालिटी इंप्रूवमेंट मेजर्स एंड कंट्रोल स्टैंडर्ड्स इंप्लाइज अंडर द सिक्स सिग्मा अप्रोच बेस्ड ऑन द कस्टमर एक्सपीरियंस एंड द रिक्वायरमेंट. सॉरी, एक्सपेक्टेशन एंड द रिक्वायरमेंट्स. मीन्स कस्टमर के एक्सपेक्टेशन और रिक्वायरमेंट के ऊपर सिक्स सिग्मा कंसेप्ट बेसिस है. अब हम आगे देखेंगे टीम वर्क बेस्ड अप्रोच. मीन्स सिक्स सिग्मा क्या है, ये एक टीम वर्क बेस्ड अप्रोच है. इसमें क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ ट्रेनिंग एंड लेवल्स ऑफ द ट्रेनिंग. अब हम देखेंगे इसमें ट्रेनिंग कैसे होता है. सिक्स सिग्मा कैंपेन होता है उसमें ट्रेनिंग होती है 5 डेज के लिए. अब ग्रीन बेल्ट ट्रेनिंग होती है उसमें 2 वीक्स के लिए हम ट्रेनिंग कंडक्ट करते हैं. ब्लैक बेल्ट में आप क्या कर सकते हो, ट्रेनिंग फॉर द 4 वीक्स, इसमें 4 वीक्स की ट्रेनिंग होती है. और मास्टर बेल्ट ब्लैक ट्रेनिंग में जो पीपल्स होते हैं वो कंडक्ट द सिक्स सिग्मा ट्रेनिंग. मीन्स आपका मास्टर हो गया इसमें, जो पीपल्स ये ट्रेनिंग कंडक्ट करते हैं वो अंडर मास्टर ब्लैक बेल्ट उसमें आते हैं. अब हम देखेंगे लेवल्स ऑफ द सिक्स सिग्मा. ये लेवल्स हो गए स्टेटस और परसेंटेज ऑफ एक्यूरेसी. अब लेवल में 6, 5, 4, 3.5, 3 और 2 होते हैं. मीन्स आपका सिक्स सिग्मा का लेवल 2 होगा तो वो क्या होगा, आपको इम्प्रूवमेंट नीड होगी. मीन्स आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है. इफ़ आपका सिक्स सिग्मा का लेवल 3.5 to 3 होगा तो वो गुड होगा, एवरेज होगा. इफ़ आपका लेवल 6 होगा तो ये परफेक्ट होगा. मीन्स 99.99% आपकी एक्यूरेसी होगी. गुड होगा तो 97.7% आपकी एक्यूरेसी होगी. और इम्प्रूवमेंट में आपकी बहुत ही एक्यूरेसी कम होती है, दैट इज 69.1% आपकी एक्यूरेसी होती है. तो ये सिक्स सिग्मा का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में. आपको एग्जाम में 5 मार्क्स के नोटिस पे आ सकती है. तो इसको ये बहुत ही ईजी है, आप इस तरीके से लिख सकते हो. होप्स आप सभी को ये समझ आ रहा होगा. अब हम लास्ट पॉइंट देखेंगे, ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ये क्या कर रहा है, मेंटेन कर रहा है क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट एट इंटरनेशनल लेवल. मीन्स जो भी इंडिया में फार्मास्यूटिकल कंपनीज हो रहे हैं तो आपका इंडिया का प्रोडक्ट गल्फ कंट्रीज में भी एक्सपोर्ट होता है तो वहाँ भी आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी मेंटेन होनी चाहिए. तो उसके लिए ISO के कुछ गाइडलाइंस होते हैं. मीन्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा, आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी मेंटेन करेगा इंटरनेशनल लेवल में. जैसे कि इंटरनेशनल लेवल में आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन करेगा. द 2000 स्टैंडर्ड्स सेट बाय द ISO. मीन्स ISO ने अभी तक कितने 20,000 स्टैंडर्ड सेट किया है फॉर द क्वालिटी. द हेड ऑफिस ऑफ ISO लोकेटेड इन जेनेवा. मीन्स आपका ISO का जो हेड ऑफिस है वो जेनेवा में लोकेटेड है. और ISO इंश्योर द प्रोडक्ट क्वालिटी एंड सेफ्टी. मीन्स ISO क्या कर रहा है, मीन्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ही आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी और सेफ्टी को इंश्योर कर रहा है. अब हम ISO के कुछ क्लासिफिकेशन देखेंगे. डील्स विद द, पहला क्लास देखेंगे हम ISO 9000. ये क्या कर रहा है, डील कर रहा है आपके क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के साथ. इसका प्रिंसिपल देखेंगे हम. द ISO 9000 डिफाइंस एज अ सेट एट अ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन द क्वालिटी मैनेजमेंट इन अ डेवलप्ड कंपनीज. मीन्स ISO 9000 क्या कर रहा है, आपके स्टैंडर्ड क्वालिटी मेंटेन कर रहा है इन अ डेवलप्ड कंपनीज. ISO 9000 helps a company in a satisfying its customer need and in a regulatory requirement. Means ISO 9000 क्या कर रहा है, आपके customer की requirements को भी satisfy कर रहा है और regulatory requirements को भी satisfy कर रहा है. The ISO 9000 follows the 8 quality principle. Means ISO 9000 क्या कर रहा है, एक 8 principle के ऊपर basis है. हम वो 8 principle देखेंगे कौन से कौन से हैं. फर्स्ट प्रिंसिपल है आपका कस्टमर फोकस, लीडरशिप, इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल, प्रोसेस अप्रोच है, ए सिस्टमेटिक अप्रोच टू मैनेजमेंट,
कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट, डिसीजन मेकिंग एंड द रिलेशनशिप, ये आपके हो गए 8 प्रिंसिपल ऑफ द क्वालिटी, मीन्स ISO के, ISO 9000 के आपके ये 8 प्रिंसिपल हो गए। अब हम देखेंगे क्लास ऑफ ISO 9000, ये कुछ टिपिकल क्लास है जो कि MCQ में भी बहुत कॉमनली पूछे जाते हैं। तो ISO 9000 2050 आपका फर्स्ट क्लास है, ये डील कर रहा है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के बेसिक्स एंड वोकैबुलरी। ISO 9001 2050 ये डील कर रहा है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के रिक्वायरमेंट्स के साथ। ISO 9004 2080 इट डील्स विद द कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट ऑफ द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। एंड ISO 19011 2080 इट विल डील्स विद द गाइडलाइंस फॉर द ऑडिटिंग मैनेजमेंट सिस्टम, में से आपके ऑडिट करने के लिए ये गाइडलाइन रिस्पॉन्सिबल है। अब हम आगे देखेंगे स्टेप्स इन्वॉल्व इन द ISO रजिस्ट्रेशन, मीन्स आपको ISO रजिस्ट्रेशन के लिए कौन से स्टेप्स जाना पड़ेगा। सेट अ रजिस्ट्रेशन ऑब्जेक्टिव्स, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन के मेन ऑब्जेक्टिव सेट करना पड़ेगा। आपको क्यों करना है ये ISO रजिस्ट्रेशन, उसके पूरे ऑब्जेक्टिव्स आपको लिस्ट आउट करना पड़ेंगे। फिर आपको एक सेलेक्ट स्टैंडर्ड करना पड़ेगा, डेवलप एंड अप्लाई द क्वालिटी सिस्टम। फिर डेवलप करने के बाद में आपको आपकी क्वालिटी सिस्टम को अप्लाई करना पड़ेगा। एक थर्ड पार्टी आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा फॉर रजिस्ट्रेशन, और परफॉर्म करना पड़ेगा आपको सेल्फ एनालिसिस ऑडिट। मीन सेल्फ एनालिसिस ऑडिट करने के बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पता चलेगा कि हमारे प्रोडक्ट में कुछ कमी है या नहीं कमी है। और आपको फिर फाइनली क्या करना है, सबमिट करना है आपको क्वालिटी मैनुअल फॉर द अप्रूवल। फिर आपका क्या होगा, प्री असेसमेंट होगा फॉर रजिस्ट्रेशन, और उसमें आपके जो भी एरर्स होंगे वो आपको बताया जाएगा। सो आपको क्या करना पड़ेगा, करेक्टिव एक्शंस लेना पड़ेगा। फिर आपका फाइनल असेसमेंट होगा, फिर आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा फॉर द ISO। अब हम आगे देख लेते हैं एडवांटेजेस ऑफ द ऑब्टेनिंग ISO 9000 सर्टिफिकेशन, मीन्स ये ISO 9000 आप सर्टिफिकेट अचीव किए तो उसका एडवांटेज क्या होगा, ये इनहांस करेंगे आपका कस्टमर सेटिस्फेक्शन। मीन्स कोई भी प्रोडक्ट के ऊपर ISO 9000 का मार्क देखने के बाद कस्टमर को क्या लगेगा कि ये आपका प्रोडक्ट बहुत ही क्वालिटी प्रोडक्ट है, तो वो इजीली इसको बाय करेंगे। मीन्स कस्टमर सेटिस्फाई है आपके प्रोडक्ट्स, क्योंकि आपका प्रोडक्ट एक क्वालिटी प्रोडक्ट है। और इन्हांस करेंगे आपके मार्केटिंग को, इम्प्रूव करेंगे एम्प्लॉय मोरल एंड मोटिवेशन। मीन्स आपकी कंपनी में जितने भी एम्प्लॉयज वर्क करते हैं वो क्या करेंगे, उनका मोटिवेशन इंक्रीज करेंगे, क्योंकि आप एक क्वालिटी प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं। इंक्रीज करेंगे आपके प्रॉफिट में, आपका प्रॉफिट बहुत ही इंक्रीज होगा ड्यू टू द ISO मार्क ऑन योर प्रोडक्ट। एंड रिड्यूस द वेस्ट एंड देयर बाय इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, मीन्स इसमें आपका प्रोडक्ट का वेस्ट भी डिक्रीज होगा और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होंगी। होप सो आप सभी को ये सब समझ में आया होगा। आने वाले लेक्चर में हम आगे का ISO 14000 देखेंगे, NABL देखेंगे और गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस देखेंगे। सो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स में प्रोवाइड करता रहूँगा। ये सब नोट्स मैं आपको टेलीग्राम अकाउंट पे अपलोड करूँगा, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारा टेलीग्राम अकाउंट भी ज्वाइन करके रख लीजिए। होप सो सभी को ये कंसेप्ट समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड स्टे कनेक्टेड विद आवर चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।